नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जो कभी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी, एक दौर की वो अदाकारा जिनके बिना पर्दे पर फिल्में चलती ही नहीं थी, वो अभिनेत्री आज इस दुनिया में तो नहीं है मगर उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। आज उसी अभिनेत्री का जन्मदिन है। हम बात कर रहे हैं मुगले आजम की अनारकली मधुबाला की, जो किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, लोगों के दिलों में जिंदा है। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज जहां था। फिल्म बसंत से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में कदम रखने वाली मधुबाला के अभिनय का जादू हॉलीवुड के निर्देशकों तक पहुंच गया था। ऑस्कर विनर निर्देशक फ्रैंक कापरा मधुबाला को हॉलीवुड में लॉन्च करने का मन बना चुके थे, लेकिन मधुबाला ने बॉलीवुड को ही चुना। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में उन्होंने अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी साल आई फिल्म दिल की रानी और अमर प्रेम में मधुबाला ने अपनी एक्टिंग से दुनिया को दीवाना बना लिया था। लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला के जन्म से ही उनके दिल में छेद था, जिसके चलते न केवल उनका फिल्मी करियर तबाह हो गया बल्कि उनकी जीवन लीला भी इसी बीमारी के चलते समाप्त हो गई। वो सिर्फ दिल की बीमारी से ही नहीं बल्कि फेफड़ों की बीमारी से भी ग्रस्त थी। दिल और फेफड़ों की बीमारी के चलते उनके शरीर में आवश्यक मात्रा से ज्यादा खून बनने लगा था। ये खून उनके मुंह और नाक से बाहर आता था। मधुबाला को बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। बीमारियों से जूझ रही मधुबाला 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण बताती हैं कि वो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मधुबाला का नाम बॉलीवुड के उन सितारों से जुड़ा जिनमें ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था। उस दौर के डायरेक्टर्स बताते हैं कि फिल्म मुगले आजम में जैसी केमिस्ट्री दिलीप और मधुबाला ने दिखाई, वो महज अभिनय नहीं था, वो उनका इश्क था। हालांकि इंडस्ट्री और बॉलीवुड करियर के चलते दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। दिलीप कुमार से सगाई टूटने के बाद 1956 में ढांक की महल की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात सिंगर किशोर कुमार से हुई। 27 साल की उम्र में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी रचा ली। शादी के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। मधुबाला की बिगड़ती हालत देख आखिरी समय में किशोर कुमार ने भी उनका साथ छोड़ दिया, वो भी उनसे दूर चले गए। बीमारी के दौर में मधुबाला ने आखिरी 9 साल अकेले बिताए। मधुबाला अपने आखिरी समय में प्यार के लिए तरसती रही। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज रूम पोस्ट के साथ। नमस्कार।